वेलकम टू टागे विद एसएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी की तरफ से एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये नई भर्ती है, विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है। और इस भर्ती का नाम है नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा, और ये विज्ञापन संख्या 6 है। ठीक है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है वो 12/7/2023 है, और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है वो 18/7/2023 है। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 7/8/2023 है, और संशोधन की अंतिम तिथि वो 14/8/2023 है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन बातें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीटी के स्कोर के आधार पर आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप लोग दो तरह से आवेदन कर सकते हैं, अपना व्यक्तिगत विवरण के साथ या फिर ओटीपी के द्वारा। तो ये इसके अलावा यहाँ पे फीस की बात करें तो 25 रुपये फीस ली जाएगी आप लोगों से, और इसके अलावा संशोधन के बारे में लिखा हुआ है, और पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। टोटल पद जो हैं वो 157, ठीक है, अस्थाई पद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो अनारक्षित पद हैं वो हैं 110, और अनुसूचित जाति के कोई भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, ओबीसी के 30 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 15 पद हैं। तो टोटल मिला के 157 अस्थायी पद हैं। कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे महिलाओं के पद जो हैं वो आप देख सकते हैं 31 हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, और आरक्षण संबंधी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अर्हताएँ, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अनिवार्य अर्हता जो है शैक्षिक वो है उत्तर प्रदेश नेत्र सहायक सेवा नियमावली 1993 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएँ होनी आवश्यक है। एक तो विज्ञान के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय या इस निमित्त सरकार द्वारा सामान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से नेत्र विज्ञान जिसको ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं और दृष्टिमिति मतलब ऑप्टोमोट्री या अपवर्तन रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, इसके अलावा अधिमानी अर्हताएँ लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। आयु की बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष मांगी गई है 1 जुलाई को, और अधिकतम जो आयु मांगी गई है वो 40 वर्ष मांगी गई है। चयन का आधार जो है आप लोगों की मुख्य परीक्षा होती है। ठीक है, और परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम ये यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा, इसके लिए अलग से नोटिस निकाला जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट ये है कि 15 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे 2 स्थान तक। ठीक है, लिखा होता है 15 गुना लेकिन बुलाए जाते हैं 25 से 30 गुना, आगे कितने बुलाए जाएंगे आप लोग खुद देख लीजिएगा जब बुलाए जाएंगे। तो जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, काफ़ी लंबे चौड़े हैं, इनको पढ़ने लगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं ये फॉर्मेट दिया गया है, ये सब इसको आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता दी, और UP++C से लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं, जिन लोगों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ उन लोगों का भी जल्द जारी किया जाएगा, उसके लिए अलग से जानकारी दे दूंगा। तो ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।